सो आज का हमारा जो प्लान है 22x30 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हमने एक 1 BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ एंड देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ है वो 22 फीट की है। एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट की है। फर्स्ट हमने यहाँ पे एक स्टेयर्स प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ एंट्रेंस पे हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ है वो 3 फीट वाइड होगी। 3 फीट वाइड हमारी ये स्टेयर्स होंगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे हॉल एरिया के अंदर, जो कि हमारा लिविंग रूम है। इस लिविंग रूम का जो हमारा साइज होगा वो 10x16 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 16 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ लिविंग रूम के ही फ्रंट में हमने अपना बेडरूम प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे बेडरूम एरिया के अंदर। इस बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10x6 by 10 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 10x6 इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन हमने WC एंड बाथ प्रोवाइड किया, जो कि हमने सेपरेट प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे WC के अंदर। इस WC का जो हमारा साइज होगा 4x4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे बाथ एरिया के अंदर। इस बाथ का जो हमारा साइज होगा वो 4x5x6 का होगा। जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 5x6 हमारी इसकी लेंथ होगी। इस पोर्शन को हम एज अ वॉश एरिया यूज कर सकते हैं। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 10x6x10 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10x6 की विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए हुए, जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया हुआ है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D2 से डिनोट किया हुआ है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 2x6 की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए हुए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया हुआ है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया हुआ है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 660 स्क्वायर फीट का होगा। एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 7-8 लैक्स के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि 22x30 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने एक 1 BHK प्लान किया था।